शादी के सियापे। दीनानाथ जी की इकलौती बेटी थी प्रियंका और दीनानाथ जी जल्दी से जल्दी उसकी शादी कराना चाहते थे। लेकिन दीनानाथ जी जब भी किसी लड़के से अपनी बेटी की शादी का रिश्ता चलाते तो उनकी बेटी शादी करने से मना कर देती और घर से भागने की धमकी देती। इस वजह से दीनानाथ जी और उनकी पत्नी पार्वती दोनों बहुत परेशान थे। एक दिन सुबह के वक्त, क्या करें पार्वती, हमारी बेटी प्रियंका तो शादी के लिए तैयार ही नहीं होती। सही कहते हैं जी, भगवान जाने, मुझे तो लगता है हमारी बेटी किसी लड़के को पसंद करती है। अरे ऐसी बातें मत करो, जानती हो ना हमारे समाज में लड़कियों को ये प्यार व्यार के मामले में पढ़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सही कह रहे हैं जी, लेकिन मैंने कल ही प्रियंका की सहेली से पता किया था, कह रही थी किसी लड़के से मिलती है। ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। शाम के वक्त, पापा मैं कॉलेज से आ गई और माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दो ना। खाना तो ठीक है, लेकिन मुझे बताओ क्या तुम किसी लड़के को पसंद करती हो? तुम्हारी माँ बता रही थी तुम्हारी किसी सहेली ने कहा है उसे। देखिए पापा, आज मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ, अगर आपके मन में मेरी शादी की बात चल रही है ना, तो आप मेरे लिए रिश्ते देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि शादी तो मैं अपनी पसंद के लड़के से ही करूंगी। प्रियंका के जाने के बाद रात के समय, क्या हुआ जी, अपनी बेटी से क्या कह रहे थे आप? मुझे लगता है वो शादी के लिए नहीं मानने वाली, हमें ही कुछ करना होगा, कोई तिगड़म सोचनी पड़ेगी। आप जानते नहीं हैं जी अपनी बेटी को, भाग जाएगी वो शादी से। भागेगी तो तब ना, जब होश में होगी। आपके कहने का क्या मतलब है जी? हम एक काम करेंगे, प्रियंका को बेहोशी की दवा देकर उसकी शादी किसी लड़के से जबरदस्ती करवा देंगे। एक बार शादी होने के बाद क्या फर्क पड़ता है? क्या बात कर रहे हो जी, ये तो गैर कानूनी है, और वैसे भी कोई लड़का किसी लड़की की बेहोशी में उससे शादी क्यों करेगा? अपनी बेटी के भले के लिए कुछ गैर कानूनी नहीं है, और वो लड़का शादी करेगा क्योंकि हम लड़के को भी बेहोश करवा कर रखेंगे। हाय राम, ये आप क्या कह रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों जी? इसलिए क्योंकि पूरे गांव में बदनामी से हमारी बेटी की सीधे सीधी तो कोई शादी करने से रहा। अपने आदमियों को बोलता हूँ, वो किसी लड़के को उठा कर लाएंगे, शादी करवा कर इसे यहाँ से भेज देंगे। दीनानाथ जी के कहने पर उसके कुछ आदमी राघव नाम के एक लड़के को किडनैप करके ले आते हैं और उस लड़के को भी बेहोशी की दवा पिला देते हैं। बेहोशी की हालत में राघव और प्रियंका की शादी करवा दी जाती है। सुबह जब राघव और प्रियंका होश में आते हैं, क्या हुआ है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, कौन लाया है मुझे? प्रियंका ने होश में आने पर अपने कपड़े देखे और फिर आईने में अपने चेहरे पर लगा हुआ सिंदूर। ओह, ये क्या, पापा मम्मी आपने मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी, वो भी ऐसे ही किसी अजनबी लड़के के साथ, ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। दीनानाथ जी अपने आदमियों से कहते हैं, जाओ अब हमारी बेटी को अपने पति के घर छोड़कर आ जाओ, अब से ये वहीं रहेगी। नहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। और मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ, वहाँ घर में मेरी एक बीवी बैठी है, अभी एक महीने पहले ही तो हमारी शादी हुई है, क्या कहूँगा मैं उसे? वो सब हम नहीं जानते, जाओ इन दोनों को छोड़कर आओ। जी मालिक, अभी दोनों को छोड़कर आते हैं। दीनानाथ जी के आदमी प्रियंका और राघव को जबरदस्ती राघव के घर के बाहर छोड़कर आ जाते हैं। तभी राघव की पत्नी राधा बाहर निकल कर आती है। हाय राम, ये क्या किया आपने,
किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली। ऐसा भी क्या हो गया था, अभी तो हमारी शादी को एक ही महीना हुआ है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपना पति अपने पास ही रखिए। वैसे भी मुझे इस आदमी से शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। हाँ, ये ठीक कह रही है। इसके घर वालों ने मुझे बेहोश करके किडनैप कर लिया और फिर मेरी और उसकी शादी करवा दी। मैं तो इसे जानता तक नहीं। अरे, ऐसा भी कभी होता है क्या? जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी। और इस लड़की को तो मैं घर में ना घुसने दूँ। चल निकल यहाँ से, निकल। चली जाऊंगी, मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे पति के साथ। हाँ, लेकिन कुछ दिन रह लेने दो, फिर मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी करूंगी। तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी खड़ी नहीं करूंगी। प्रियंका और राघव के बहुत समझाने के बाद राधा मान जाती है और प्रियंका को अपने घर में रहने की जगह दे देती है। राघव प्रियंका की शादी उसके बॉयफ्रेंड दिनेश के साथ करवा देता है। लेकिन शादी वाले दिन ही दीनानाथ जी राघव के घर मिलने आते हैं। और राघव, कैसे हो? हमने सोचा जरा अपनी बेटी को मिलकर आते हैं, उसकी शादीशुदा जिंदगी ठीक तो चल रही है ना? अरे कैसे बाप हैं आप, अपनी बेटी की शादी आपने हमारे पति के साथ करवा दी, वो भी जबरदस्ती, ये क्या बात हुई? ए लड़की, हमें ज्यादा समझाने की कोशिश मत करो, जो भी किया है सोच समझ कर किया है। ठीक उसी वक्त प्रियंका अपने पति दिनेश के साथ अंदर कमरे से निकलकर बाहर हॉल में आती है। उसे देखने के बाद भी दीनानाथ जी हैरान रह जाते हैं और अपनी जगह से उठकर खड़े हो जाते हैं। अरे ये क्या है, कौन है ये लड़का और तुम इसके साथ क्या कर रही हो? तुम्हारी शादी तो इस राघव के साथ हुई थी ना? पापा, आपने तो मेरी शादी ऐसे ही किसी लड़के से करवा दी जिसके बारे में आपको ये भी नहीं पता था कि उसकी पहले से शादी हो रखी है। बातें मत बनाओ और सीधे सीधे बताओ आखिर माजरा क्या है। मैं बताता हूँ, मैंने आपकी बेटी की शादी उसके बॉयफ्रेंड से करवा दी ताकि उसकी और मेरी दोनों की जिंदगी सही सलामत रहे। आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए था अंकल जी, आखिर बेटी की शादी पसंद से करवाने में परेशानी क्या थी? हमारी जिंदगी क्यों खराब करने पर तुले हुए थे? पहली बात तो हमको पता नहीं था कि राघव की शादी पहले ही तुमसे हो रखी है, और दूसरी बात ये कि हमारी बेटी को लव मैरिज करने का शौक था और हम इन सब बातों को नहीं मानते। तो अब क्या फायदा निकला अंकल जी? शादी तो आपकी बेटी की अब भी उसी लड़के से हुई जिसको वो पसंद करती है। राघव ठीक कह रहा है, आपको ये सब नहीं करना चाहिए था, और मैं तो इतनी अच्छी नौकरी करता हूं, कम से कम आपको एक बार प्रियंका की बात तो सुननी चाहिए थी। अंकल जी, आपकी बेटी का तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, प्रियंका मुझे समझदार लगी जिसने मुझे भी परेशान होने से बचाया और खुद की जिंदगी भी ठीक कर ली। राघव की बात सुनकर माहौल कुछ अच्छा हो गया। प्रियंका, राघव, दिनेश और राधा सब हंसने लगे। बस दीनानाथ जी के चेहरे पर ही टेंशन नजर आ रही थी। दीनानाथ जी चुपचाप वहां से जाने के लिए जैसे ही कदम आगे बढ़ाने लगे, प्रियंका ने उनसे कहा, पापा अब तो अपने दामाद को अपना लो, कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे आप, मेरे साथ उस राधा की जिंदगी भी खराब हो जाती। अब तो मान लो कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। हाँ, तुम शायद ठीक कह रही हो बेटा, और राघव तुम भी ठीक कह रहे हो। हमारी बेटी का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी अतरंगी बीवी वाकई में अतरंगी है, कमाल का काम किया है।